सलमान खान और बॉबी देओल की आने वाली फिल्म रेस्त्री इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। कुछ समय पहले ही निर्माताओं के द्वारा फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसको लोगों ने दिल खोल कर प्यार दिया। 24 घंटे में ही रेस्त्री के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर जो व्यूज कमाए उसे देखना लाजवाब रहा। उसके बाद सभी ने फिल्म के सुपरहिट होने की संभावनाएं जताई हैं। हालांकि तब तक बॉलीवुड के धर्म पाजी ने ट्रेलर का अपना फैसला नहीं सुनाया। धर्मेंद्र जी ने कुछ समय पहले ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट करके रेस्त्री को ब्लॉकबस्टर करार दिया। धर्मपाजी ने अपनी सालों पुरानी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, रेस्त्री का हिस्सा कर रहे सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत प्यार। रेस्त्री ब्लॉकबस्टर फिल्म है। रेस्त्री के ट्रेलर में सलमान खान के जबरदस्त एक्शन के साथ साथ बॉबी देओल की बॉडी भी खूब पसंद की जा रही है। अपनी बॉडी पर और बॉलीवुड में वापसी को लेकर बॉबी ने मीडिया को बताया है कि सलमान यानी मामू का कॉल मुझे आया और उन्होंने मुझसे कहा कि शर्ट उतारोगे। मैंने तुरंत हाँ कर दी और मैं करूँगा भी क्या, बस मुझे फिल्म में ले लो। जहाँ तक बात रही वापसी की, तो सलमान खान मेरे लिए फरिश्ते की तरह हैं। जब कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा था, तब सलमान ने मुझ पर भरोसा किया। मुझे रेस्त्री से जोड़कर काफ़ी मज़ा आया। फिल्म शूट करते समय हम लोगों ने खूब मस्तियाँ भी की। बता दें कि रेस्त्री में सलमान खान और बॉबी देओल के साथ जैकलिन फर्नांडिस, डेजिशा, साकिब सलीम, अनिल कपूर और फ्रेडी दारूवाला जैसे कलाकार हैं। फिल्म को रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया है। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि मिलेगी आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।